सबको शुभ शुभोदय। आज हम नई कविता शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है अंधकार की नहीं चलेगी। कविता का नाम क्या है? अंधकार की नहीं चलेगी। इस कविता का रचयिता है प्रभु दयाल श्रीवास्तव। कौन है? प्रभु दयाल श्रीवास्तव। यह कविता आपके किताब में पेज नंबर 9 में है। ठीक है, अब इस कविता में कवि कह रहे हैं कि अंधेरे से हमें नहीं डरना चाहिए। हम लोग भी अंधेरे से डरते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि अंधकार का मतलब क्या है। अंधकार का मतलब क्या है? डार्कनेस। डार्क यानी चीकटी। डार्क, डार्कनेस। ओके, अंधकार का मतलब डार्कनेस। की नहीं चलेगी, अंधकार की नहीं चलेगी। नहीं, इट्स नॉट लिव फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, इट्स नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए, अंधकार की नहीं चलेगी। सी, अंधकार का मतलब डार्कनेस, और की नहीं, अंधकार की नहीं चलेगी मीन्स द डार्कनेस विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अब देखिए इस कविता में कवि क्या कह रहा है कि हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इधर अंधेरे का मतलब क्या है? अंधेरे का मतलब डार्क, चीकटी। हम लोग भी डरते हैं ना अंधेरे से। हमें बिल्कुल अंधेरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इधर इस कविता में सूरज और सबको सब संसार को रोशनी देने वाला सूरज और उसकी माँ से क्या बातचीत हो रहा है, अब इस कविता में देखते हैं। यह सूरज सबको रोशनी देने वाला सूरज ही डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, अब देखते। और उसकी माँ बोल क्या बोल रही है? उसकी माँ सूरज के मन में छिपे हुए डरे को दूर करने के लिए उसे समझा रही है। क्या उसके मन में क्या बात है और क्यों डर रहे हो ऐसा, और सूरज और माँ के बीच में क्या क्या बातचीत हो रहे है, अब इस कविता में देखते हैं। देखते, अब पहले मैं पढ़ती हूँ। ओके, बाद में आप इसे भी आप किताब देखकर पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और ओके, नाम अंधकार की कविता का नाम क्या है? अंधकार की नहीं चलेगी। अंधकार की नहीं चलेगी। देखिए, ध्यान से सुनिए। माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए। माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए। देख रही हूँ कहीं दिनों से रहते हो तुम कोई कोई। देख रही हूँ कहीं दिनों से रहते हो तुम कोई कोई। जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो। जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो। क्या है बोलो कष्ट तुम्हें, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें। साफ साफ क्यों ना कहते हो, साफ साफ क्यों ना कहते हो। क्या है बोलो कष्ट तुम्हें, साफ साफ क्यों ना कहते हो। सूरज बोला सुबह सुबह ही कोहरा मुझे डाँप लेता है। सूरज बोला सुबह सुबह ही कोहरा मुझे डाँप लेता है। निकल सकू कैसे चंगुल से, निकल सकू कैसे चंगुल से। कोई साथ नहीं देता है, निकल सकू कैसे चंगुल से। कोई साथ नहीं देता है। माँ बोली है पुत तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया। माँ बोली है पुत तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया। उसके झूठे चक्रव्यूह को
काट सदा तू बाहर आया, उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदे सदा नाम है तुम्हारा। कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा। कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। निश्चिंत होकर कुछ जंग में, निश्चिंत होकर कुछ जंग में, विजय सदा तेरी ही होगी, विजय सदा तेरी ही होगी। निश्चिंत होकर कुछ जंग में विजय सदा तेरी ही होगी। तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की ये मनमानी नहीं चलेगी। तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की ये मनमानी नहीं चलेगी। यह है कविता। इस कविता का रचयिता है प्रभु दयाल श्रीवास्तव। देखिए इधर इस कविता में माँ सूरज और सूरज की माँ से बातचीत हो रहे हैं। सूरज, सूरज यानी सन, सूरज यानी सन। हमको सूरज कौन, हमको रोशनी कौन देता है? सूरज ही देता है। और यहाँ इस कविता में सूरज और माँ, माँ की बात में, माँ माँ के बीच में बातचीत हो रहे हैं। माँ, माँ का यानी मदर। बातचीत, बातचीत का मतलब डिस्कशन। क्या डिस्कशन चल रहा है उसके बीच में, अब देखते हैं। देखिए पहले मैं दो दो पंक्तियों को लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोई। देखिए इधर माँ, माँ बोली सूरज से, माँ सूरज से जाकर कह रहे हैं कि सूरज उठो अब सुबह हुई, अब तक तुम सोए हो। देखिए माँ सूरज को उठा रहे हैं, सूरज अभी तक सोया है, सूरज ही हम लोगों को रोशनी देने वाला है। इधर सूरज ही सो रहा है तो अब कौन उठा रहे हैं उनको? सूरज की माँ आकर, सूरज उठो अब सुबह हुए, अब तक तुम सोए हो, क्यों सोए हो? ऐसे कई दिनों से देख रही हो तुम्हें और रहते हो तुम कोई खोई। माँ बोल रहे मैं कई दिनों से तुमको देख रही हूँ, तुम कुछ खोए खोए रहते हो, ऐसे क्या बात है, ऐसे क्यों रहते हो? मैं कई दिनों से तुमको देख रही हूँ, ऐसे क्यों रहते हो? क्या है, क्या है कष्ट तुम्हारा, बोलो ना। आपको भी किसी का कोई कष्ट या कोई प्रॉब्लम है तो आपको, आप किससे शिकायत करते हैं, आप किससे बोलते हैं? माँ से बोलते हैं। और माँ क्या करती है, आपसे पूछते हैं क्या होना क्या है। जब आप कुछ भी नहीं बोले तो भी माँ आपको, माँ समझती है क्या है आपके मन में। आप डल हो तो, आप उदास रहे तो भी माँ बिल्कुल समझ जाती है और आपके पास आकर कहती है ना, क्या हो गया बेटा तुम्हें, क्यों ऐसे हो, क्यों डल हो, क्यों उदास हो, क्या होना चाहिए तुम्हें, क्यों ऐसा हो, ऐसे बोलती है। इधर भी सूरज उदास है और अभी भी सो रहा है और माँ आकर सूरज को उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया तुम्हें, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, क्यों उदास लग रहे हो और कुछ कोये कोये से दिख रहे हो, क्या है बोलो तुम्हारा कष्ट तुम्हें। और तीसरी पंक्ति, जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें, साफ साफ क्यों ना बताते हो। सी कि माँ बोल रहे हैं, जब जाते हो सुबह काम पर, सी सुबह काम को जाते हो तो तुम कैसे दिख रहे हो, डर डरे से दिख रहे हो। डर, इधर डर का मतलब क्या है, डर का मतलब यानी फियर। डर, डर का मतलब फियर। अब सुबह, सुबह का मतलब क्या है, मॉर्निंग। सुबह का मतलब
मॉर्निंग। काम काम यानी वर्क।